हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है वो जो है मेरे एक व्यक्तिगत अनुभव के बारे में है जो कि मेरी बीमारी से संबंधित था। और अभी जो है आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे जो है वीडियो बिल्कुल आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब आज के बाद से जो है कंटिन्यू आपको जो है वीडियो मिलते रहेंगे। हो सकता है कि जो है 25 और 26 को जो है दो दिन वीडियो ना मिल पाए, लेकिन जो है अभी जो है क्या होगा कि आपको जो है कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो अभी तक जो है वीडियो जो नहीं मिल रहे थे उसके पीछे जो कारण था वो जो है मेरी जो बीमारी थी वो था। और तकरीबन मुझे लगता है कि जो है 15 दिन जो है मेरी तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, काफ़ी सीरियस भी हो गया था। तो आज वही अनुभव आपसे जो है यहाँ पे शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो है कोरोना का जो समय चल रहा है तो कोरोना के जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो जो है इस बीमारी से जो है काफ़ी मिलते जुलते हैं, जो कि मैंने अनुभव किया, जो कि लगभग सेम थे। और पहले तो मैं जो है काफ़ी जो है डर गया था कि जो है ये मुझे कहीं कोविड तो नहीं हो गया, लेकिन जो है बाद में पता चला कि नहीं, कोविड नहीं है, कुछ और ही बीमारी है। तो उसी के बारे में जो है यहाँ पे आज हम आपसे जो है बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के समय में, क्योंकि आज के समय में कोरोना का संक्रमण बहुत पहले जल्दी से फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, और सरकार जो है काफ़ी प्रयास कर रही है। लेकिन यहाँ पर ये बात करना जो है काफ़ी मैंने ज़रूरी समझा कि मुझे अपना अनुभव जो है आप लोगों से शेयर करना चाहिए बीमारी को लेकर के, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं वो बहुत कुछ हद तक जो है कोविड से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और ये कि एक नॉर्मल वीडियो है, कि ये अनुभव शेयरिंग है और ये आपको जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा भी पहुँचाएगा आपकी जो है, ये जनहित के लिए मुझे लगता था कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। तो जब मेरी जो बीमारी की जो शुरुआत हुई थी तो मुझे जो है हल्का सा जो है बुखार हुआ था, तो जो है मैं डर गया थोड़ा सा कि मुझे जो है बुखार हो गया है। तो जब मैं एक प्राइवेट डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने जो है जब चेकअप किया तो उसमें जो है ख़ास तौर से जो मार्केबल जो बात थी, जो पॉइंट वाली जो बात थी, वो ये थी कि जो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है, इतनी छोटी सी एक जो है डिवाइस आती है, ठीक है, तो उसको जो है वो उंगली में लगा के जो है चेक करते हैं कि आपका जो है ब्लड प्रेशर क्या है और जो आपका जो है ऑक्सीजन का जो लेवल जो होता है नॉर्मल से नीचे है कि ज़्यादा है, वो पता करते हैं। तो उस दिन क्या था कि मेरा जो है 96 से जो है कुछ पॉइंट जो है कुछ कम था ऑक्सीजन का लेवल, ठीक है, और ब्लड प्रेशर तो ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी और मुझे कोई खांसी वगैरह भी नहीं आ रही थी, नॉर्मल थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल बुखार हुआ था, है ना, 98 पॉइंट से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा था, कोई वो भी कोई खास नहीं था। लेकिन यहाँ पे चिंता वाली बात थी कि जो ऑक्सीजन का जो लेवल था वो जो है कम हो गया था, ठीक है, 96 से वो कम हो गया था। तो उन्होंने एक बार जो है कहा कि हो सकता है कि कमजोरी की वजह से हो सकता है, तो बुखार वगैरह की जो है दवाई उन्होंने दे दी, तो बुखार की दवाई मैंने ले ली एक दिन की और वो दवाई मैंने जो है खाई और मैं अगले दिन सही हो गया। तो सही होने के बाद नहा होकर के फिर जो है अगले दिन मैंने सोचा कि एक दिन की दवाई और ले लेते हैं। तो एक दिन की दवाई और जब हम लेने गए तो उन्होंने जो ऑक्सीजन वगैरह फिर जो है लेवल चेक किया तो बिल्कुल जो है वो नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल 98 हो चुका था, 96 से ऊपर हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है 98 हो चुका था। तो यह है कमजोरी वगैरह के हो सकता है, ठीक है, तो कभी कभी इसकी भी दिक्कत हो जाती है ना, हो सकता है उसकी वजह से भी होगा, तो ये तो अवॉइड करने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे ये जो है प्रॉब्लम थी और दवाई जब हम लेकर के आए दूसरे दिन, उस समय हम बिल्कुल ठीक थे, तो हमने कहा कि एक दिन एक्स्ट्रा दवाई खा लेते हैं, बुखार वगैरह नहीं होगा, तो दवाई जो है हम एक्स्ट्रा लेकर के आए। लेकिन हुआ क्या कि जब मैंने वो दवाई, फिर वही सेम दवाई थी जबकि जिससे मैं सही हो गया था, तो फिर मैंने जब वो दवाई खा ली तो क्या हुआ कि बुखार जो है मेरा एकदम से उखड़ गया। तो जब बुखार एकदम से उखड़ गया तो शरीर एकदम से वीकनेस आ गई मुझे, और खांसी वगैरह मुझे कुछ नहीं थी उस समय, खांसी वसी कुछ नहीं थी मुझे। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि फिर मैंने जो है एक बड़े डॉक्टर थे उनको जो है दिखाया और उन्होंने जो है मुझे कुछ दवाइयाँ लिखी, तो 3 दिन जो है वो दवाई मैंने खाई और मैंने अपने आप को अलग जो है कमरे में कर लिया, सबसे अपने फैमिली से सबसे अलग हो गया। तो वही आप देख रहे हैं कि एक वीडियो जो मैंने लेट के बनाया है वो उसी समय अलग कमरे में मैं था, उसमें मैंने एक वीडियो बनाया के आपको दिया था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने आप को अलग कर लिया, तो 3 दिन बाद जो है मेरा बुखार जो है फिर उतर गया, नॉर्मल हो गया, पसीना वगैरह होकर के जो बुखार जो है मुझे उतरा और वो नॉर्मल हो गया, ठीक है। उस समय तक मुझे खांसी वगैरह की कोई शिकायत नहीं थी। तो उसके बाद फिर जो है जब नॉर्मल हो गया तो फिर हम जो है नहा धोकर के 3 दिन बाद जो है फिर डॉक्टर के यहाँ गए जहाँ से दवाई लाए थे, और उनसे मैंने कहा कि डॉक्टर साहब तब बुखार वगैरह तो नहीं है, पीठ में थोड़ा सा दर्द था मुझे, तो पीठ में थोड़ा सा दर्द था उसका मैंने बताया और हल्की सी जो है खांसी शुरू हुई थी मुझे, तो मैंने बताया तो उन्होंने जो है दवाई लिख करके दे दी। लेकिन अब वो दवाई क्या हुई कि वो दवाई मुझे सूट नहीं की, उन्होंने वो जो है दवाई जो है 3 दिन की लिखी थी और वो 3 दिन की दवाई लेने के बाद जो है मेरे पूरे शरीर में मतलब जलन टाइप की होने लगी, ठीक है। तो वो दवाई जो है मैंने खाई, बुखार वगैरह तो ठीक कर दे रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था, तो वो 3 दिन जो है मैं काफ़ी परेशान हो गया था बिल्कुल।
और उन 3 दिन के समय के दौरान ही जो है मुझे क्या हुआ कि यहाँ पे इस साइड में ये राइट हैंड साइड में जो है यहाँ पे जो है कुछ जो है लग रहा था जैसे कुछ फंस गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ मुझे फंसा हुआ महसूस हो रहा था, तो और जिसके चलते मुझे जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन ये सांस वाली जो प्रॉब्लम हुई ना, वो भी जो है आपकी जो रात में जब मैं सोने के लिए चलता था 10 बजे के आसपास, तभी मुझे प्रॉब्लम होती थी। यानी कि जो है 2-3 दिन मुझे ये प्रॉब्लम जो है 2 दिन तो रही, तो 2 दिन तो नॉर्मल थी, लेकिन एक तीसरे दिन जो है थोड़ा सा कंडीशन जो है रात में 12 बजे के आसपास जो है थोड़ा सा मुझे कुछ ज़्यादा जो है फीलिंग आने लगी, तो और अंदर से जो है रोने की इच्छा होने लगी। तो अभी तक तो मैं वो नहीं कर रहा था, तो सारे फैमिली के लोग जो है बैठ गए आकर के, और उसके बाद जो है ये हुआ कि हॉस्पिटल ले चला जाए। तो हमने कहा नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाओ, बिल्कुल नॉर्मल हल्का सा लग रहा है खाली और दिक्कत हो रही है। तो ये हुआ कि यूट्यूब पे फिर चेक किया हम लोगों ने कि अगर सांस में प्रॉब्लम हो रही तो क्या करना चाहिए। तो उसमें जो है ये हुआ कि अजवाइन का जो पानी होता है ना, अजवाइन का पानी जो है थोड़ा सा जो है गर्म करिए, अजवाइन छान के हटा दीजिए बिल्कुल, और पानी जो है हल्का गुनगुना जो है पी लिया जाए। तो उससे क्या होता है कि अगर आपके अंदर जो है कोई गैस वगैरह बनी है, ठीक है, तो वो जो है निकल जाती है। तो उसके चलते भी ये रुकावट हो सकती है, सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको फेफड़े में जो है गैस वगैरह कोई भर गई है तो ब्लॉकेज हो सकता है। ठीक है, तो वो जो है पानी जब मैंने पिया तो थोड़ा सा मुझे जो है डकार खुली, डकार आई। तो डकार आने के बाद मुझे कुछ नॉर्मल जो है फीलिंग आई, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि मैं एकदम से मतलब रोने लगा। तो रोने के बाद जो है मुझे काफ़ी ये हल्का हो गया। ठीक है, यानी कि स्ट्रेस भी हो सकता है, माइंड स्ट्रेस भी हो सकता है। तो उसके बाद जो है मुझे काफ़ी हल्कापन महसूस होने लगा और ये सारी चीज़ें जो है मेरी जो है खुल गई, थोड़ी सी सांस आने लगी। उसके बाद ये हुआ कि एक और वीडियो देखा गया, तो उसमें था कि जो है आप पानी की भाप लीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ, पानी जो है भगोने में गर्म करके और उस पर जो है गमछा ओढ़ करके मैंने जो है भाप ली, तो मेरी ये पूरी चीज़ें जो है खुल गई। ठीक है, तो ये 3 काम जो है हुए। तो ये आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और रोने की इच्छा हो रही है तो आप बिल्कुल रोइए, क्योंकि रोने से क्या होता है ना कि आपके जो फेफड़े होते हैं ना ये खुल जाते हैं, क्योंकि आप जब सांस लेते हैं ना रोते हैं तो वो चीज़ें जो ब्लॉकेज होती है ना वो खुल जाती है। और अगर अजवाइन का पानी आप जो है गर्म करके बढ़िया से वो खुला के जो है उसको हल्का गुनगुना करके पी लेते हैं, तो अगर कोई गैस वगैरह बनी होगी तो वो भी आपकी जो है निकल जाती है। ठीक है, तो उससे भी जो सांस लेने में दिक्कत होती तो वो आपकी जो है मिस्टेक दूर हो जाएगी। और अगर और उसके बाद जो है आप जो है भाप, जो पानी की भाप लेंगे, उससे भी जो है काफ़ी चीज़ें खुल जाएंगी। ये दैनिक जागरण में भी छपा था, डॉक्टर लोगों ने सलाह भी दी थी कि पानी की भाप लीजिए अगर आपको दिक्कत होती है। कोई जरूरी नहीं कि वो कोविड का इन्फेक्शन हो, वो जो है आपको जो है दमा या अस्थमा भी हो सकता है, या फिर जो है कुछ लोग ये इसका संक्रमण इसके चलते भी जो है ये ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसके चलते भी हो सकती है, या जुकाम के चलते आपका ये माथा जो है बंद हो जाता है या नाकें बंद हो जाती हैं। तो भाप का पानी जब आप लेंगे ना, तो पानी का जो भाप लेंगे गर्म गर्म, तो उससे जो है क्या है कि खुल जाएगा। ठीक है, तो इतना सब होने के बाद उस रात के बाद जो है मुझे जो है नींद आ गई, आराम से मैं जो है सो गया। और सवेरे जब मैं उठा तो जब मैंने जो है खखारा, ठीक है, जब खखारा तो क्या हुआ ना कि चूंकि भाप लिया हुआ था मैंने और दवाई तो मेरे पास थी ही, तो क्या हुआ ना कि बलगम निकलने लगा, मेरे लार टाइप का जो है पूरा बलगम जो है काफ़ी अच्छा खासा मात्रा में जो है पूरा बलगम निकला। तो मैं तब तक जो है खखाड़ता रहा जब तक मेरा सारा बलगम निकल नहीं गया। तो वो उल्टी टाइप का निकला, लेकिन पेट में से मतलब कुछ नहीं निकला, सिर्फ जो कुछ लगा जैसे लगा कि पूरा हिस्सा, ये पूरा मेरा जो फेफड़े का जो पूरा हिस्सा पोर्शन है ये बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। और उसके थोड़ी देर बाद मुझे जो है लैट्रिन हुई, लैट्रिन होने के बाद जो है मुझे मेरा पेट बिल्कुल जो है फुल साफ हो गया और मुझे जो है काफ़ी रिलैक्स हो गया। मेरा जो है बुखार था वो तुरंत उतर गया। ठीक है, तो जो है हम लोग जो है फिर डॉक्टर के यहाँ गए, तो डॉक्टर के यहाँ बताया गया ये सारी प्रॉब्लम, तो उन्होंने जो है जांच लिखी। तब उस मतलब कहने पे जो है डॉक्टर ने जांच करवाई, तो टाइफाइड की जो है उनकी आशंका थी, तो टाइफाइड की जो है जांच जो है उन्होंने लिखी। तो टाइफाइड की जो है जांच हुई, ठीक है, तो ब्लड जो है मेरा लिया गया। ब्लड लेने के बाद ये मुझे जो है ये जाँच जो है रिपोर्ट मिली, और इसमें जो है हीमोग्लोबिन मेरा कम हो गया था, कमजोरी के चलते जो है हीमोग्लोबिन कम हो गया था। प्लेटलेट्स जो है मेरी जो है डाउन हो गई थी, ये जो है 0.94 हो गई थी, जो कि नॉर्मली 1.5 जो है नॉर्मल से स्टार्टिंग होता है, तो ये भी जो है घट गई थी। तो ये तो कीवी अगर हम खा रहे हैं तो ये कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है जो काफ़ी चीज़ें मतलब थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर सारी चीज़ें जो है कम हो चुकी थी। तो उसके बाद जो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट जो है हमारी जो है टाइफाइड की निकली, और मुझे जो है टाइफाइड था। तो सांस लेने में जो दिक्कत हो रही थी, जो बुखार आ रहा था, जा रहा था, खांसी हो रही थी, तो ये टाइफाइड में भी होता है, यानी कि ये कोरोना में ही नहीं होता, ये टाइफाइड में भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देते हैं तो जो चीज़ें मैंने की हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर उससे आपको आराम मिल जाता है तो आप जो है अपने ब्लड की जांच कराइए, टाइफाइड की जांच कराइए, और टाइफाइड में भी सेम लक्षण मैंने जो है देखे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है हमारा जो है ये टाइफाइड जो है निकला था। ठीक है, ये टाइफाइड जो है हमारा जो है पॉजिटिव आ गया था। ठीक है, तो ये इसके बाद जो है हम क्लियर हो गए, तो हमको जो है टाइफाइड की जो दवाई थी वो चलने लगी,
और ये जो है मेरा जो है ये फेफड़े का जो है एक्सरा भी जो है मैंने करवा लिया था, क्योंकि सांस की प्रॉब्लम थोड़ी हो रही थी, तो मैंने कहा इसको भी करा लेते हैं, डॉक्टर ने इसको भी लिखा था, तो ये भी जो है एक्सरे भी करा लिया था। तो कुल मिला करके अभी बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और वही दवाई मेरी जो है अभी चल रही है, ठीक है। और मैं अब दिखाऊंगा डॉक्टर को, दवाई जरूरत होगी तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। और जो कमजोरी वगैरह है, जो प्लेटलेट्स वगैरह डाउन हुई, तो कीवी वगैरह या फल वगैरह खाएंगे, काजू किशमिश बादाम जो है जैसे आप खा सकते हैं खरीद करके, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ थी, और अभी आपके सामने मैं बिल्कुल फ्रेश बैठा हुआ हूँ। और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो टाइफाइड के लक्षण हैं, जो कोरोना के लक्षण हैं, लगभग एक जैसे मैंने देखे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, तो आप बिल्कुल पहले सबसे पहला काम यही करिए कि आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से जो है आप पहले जो है टाइफाइड की जांच की जो है मांग करिए, पहले आप टाइफाइड की जांच कराइए, क्योंकि टाइफाइड और निमोनिया एक साथ होता है, तो इसमें जो है आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप जितना ज्यादा घबराएंगे उतनी ज्यादा आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, सांसें आपकी फूलेंगी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, तो आप पहले टाइफाइड की जाँच जरूर करा लीजिए। अगर आपको जो है बाकी खांसी वगैरह नहीं है, बुखार है या जो भी नॉर्मल है, तो ठीक है, तो आप जाँच वगैरह करा लीजिए, उसके बाद ही कोरोना का टेस्ट कराइए, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो यही आपको जो है अनुभव में शेयर करना चाहता था अपना, कि इसके लक्षण जो मैंने देखे कोरोना के और टाइफाइड के, वो लगभग इक्वल है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे लक्षण है। इसमें भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है, और उसमें भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो आप जो है जांच दोनों कराना चाहें दोनों करा सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल कंफर्म है कि ये टाइफाइड जो है ज्यादा है, कोरोना कम है, ये टाइफाइड ज्यादा है। तो टाइफाइड की दवा जो है चलनी चाहिए, कोरोना की दवा जो है, कोरोना की तो खैर कोई दवाई नहीं है, ठीक है। तो आप इसको एक बार जो है कभी भी आपको अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं मेरी तरीके से मिलते जुलते, तो बिल्कुल आप अपने फेफड़े वगैरह का एक्सरे कराइए और टाइफाइड की जांच कराइए, उसके बाद आप अपनी दवाई करवाइए, निश्चित हो जाइए कि कोरोना है कि नहीं, कोई जरूरी नहीं कि कोरोना ही हो, ठीक है। तो आज का वीडियो मुझे यही अपना अनुभव शेयर करना चाहिए था, मैं बिल्कुल इस समय बिल्कुल फिट हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी कमजोरी है, तो खाने पीने से जो है कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही कहना था, वीडियो जो है अगर आपको जो है इन्फॉर्मेशन सही लगती हो, पसंद आई हो, तो इसको जो है शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये सबके पास पहुंचे, सबको ये चीज़ जो है पता चले, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और बिहार से चेक बहाली से संबंधित जो है वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, ठीक है, तब तक जो है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।